कौन है वो दो नेता जो बीजेपी के सहयोगी हैं, जिसने राजभर के मंत्री बनने के ख्वाब पर पानी डालने का किया काम। राजभर को जब ये लगने लगा मंत्री बनने की राह में ये दो नेता हैं सबसे बड़ा रोड़ा, तो राजभर को रहा नहीं गया। 23 को विदाई देने से पहले नड्डा से मिले थे, अब 24 के आते ही एक बार फिर दिल्ली दौड़ लगाई, बीजेपी के चाणक्य से कर ली मुलाकात। सुभाषपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने जिस ताऊ के साथ एक तस्वीर को जारी किया, अगर उनके ताऊ का तामझाम पूरा नहीं हुआ तो गजब की बेइज्जती हो जाएगी, क्योंकि राजभर ने खुलेआम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को चुनौती दे दी। एक तरह से ओपी राजभर सीएम योगी को संदेश दे रहे हैं, लेकिन हम तो मंत्री बनकर रहेंगे। जी हाँ, अभी दिल्ली में कोहरा ठीक से हटा भी नहीं था कि बीजेपी के चाणक्य अमित शाह के दरबार में हाजिरी लगाने पहुंच गए। नवरत्न के पियरका चाचा को पता नहीं क्या हुआ, पता नहीं पियरका चाचा के अंदर क्या हुआ। नए साल से पहले बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की, नया साल आया ही था कि दिल्ली में जाकर गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात कर लिए। अब कहने वाले कह रहे हैं, अरे भाई बाबा मंत्री बनाएंगे, काहे रोज चकल्लस काटे हैं। तो सवाल ये है कि सुभाषपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर बार बार दिल्ली में जाकर हाजिरी क्यों लगा रहे हैं, इसके पीछे अब एक बड़ी वजह सामने आ गई। वजह के बारे में आपको बताएंगे, लेकिन राजभर की अमित शाह से मुलाकात की क्या वजह बताई गई, पहले उसे जान लीजिए। उत्तर प्रदेश के कद्दावर नेता और सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के मुखिया ओम प्रकाश राजभर ने नई दिल्ली में सुबह गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। शाह से मुलाकात के बाद राजभर ने सोशल मीडिया वेबसाइट एक्स पर कहा कि दोनों नेताओं के बीच नए साल के मौके पर आत्मीय मुलाकात हुई और इस दौरान उत्तर प्रदेश और बिहार की राजनीतिक परिस्थितियों समेत कई सियासी मुद्दों पर बात हुई। बता दें कि 2022 के विधानसभा चुनाव में अखिलेश यादव के साथ मिलकर चुनाव लड़ने वाले ओम प्रकाश राजभर पिछले दिनों बीजेपी के साथ वापस आ गए। शाह से मुलाकात के बाद राजभर ने एक्स पर लिखा, आज नई दिल्ली में देश के यशस्वी गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी से नव वर्ष पर आत्मीय मुलाकात हुई और उत्तर प्रदेश और बिहार की वर्तमान राजनीतिक परिस्थिति, लोकसभा चुनाव की तैयारी सहित भर और राजभर जाति को अनुसूचित जनजाति में शामिल किए जाने के लिए प्रस्ताव यथाशीघ्र उत्तर प्रदेश सरकार से दिल्ली सरकार को रिपोर्ट मंगाने पर चर्चा हुई। बंजारा जाति के सामाजिक समस्याओं व गोंड खरवार जाति के जाति प्रमाण पत्र, उत्तर प्रदेश के समस्त जनपदों में सरकार द्वारा जारी जाति प्रमाण पत्र के शासनादेश का पालन कराकर जाति प्रमाण पत्र जारी कराने पर चर्चा हुई और वंचित शोषित वर्गों के हितों से जुड़े अहम विषयों पर सकारात्मक चर्चा हुई। लेकिन सवाल यही है कि क्या इसी के लिए राजभर ने बीजेपी के चाणक्य अमित शाह से मुलाकात की या फिर वजह और थी। कहा जा रहा है कि मंत्री नहीं बनने से ओम प्रकाश राजभर नाराज हैं। इसके साथ ही एनडीए गठबंधन के अपने दो सहयोगियों की सियासी तेजी को देखकर राजभर को यह फैसला लेना पड़ा। राजभर से पहले अपना दल एस की अनुप्रिया पटेल और निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की थी। उनकी इस मुलाकात की तस्वीरें खुद सीएम योगी आदित्यनाथ के सोशल मीडिया पर ऑफिशियल पेज से जारी की गई। माना जा रहा है कि योगी आदित्यनाथ 14 जनवरी के बाद मंत्रिमंडल विस्तार करेंगे, उसमें शायद ये दोनों नेता अपनी पार्टी की उपस्थिति बढ़ाना चाहते हैं। अगर ऐसा हुआ तो राजभर के मंत्री बनने में मुश्किल आ सकती है, क्योंकि माना जा रहा है योगी मंत्रिमंडल का सीमित दायरे में विस्तार होगा। कहीं ना कहीं राजभर को ऐसा लगा होगा, जब इस तरह की स्थिति बनेगी, एनडीए के कई दावेदार अपनी दावेदारी पेश करेंगे, तो 14 जनवरी के बाद भी योगी मंत्रिमंडल का नहीं विस्तार होगा। इसलिए तो सुभाषपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात के बाद भी अमित शाह से मिले। आपको बता दें कि 2017 के विधानसभा चुनाव में राजभर ने बीजेपी के साथ गठबंधन किया था और चुनाव जीतने के बाद योगी कैबिनेट में मंत्री भी बने थे। हालांकि गठबंधन विरोधी हरकतों के कारण मई 2019 में उन्हें योगी मंत्रिमंडल से बर्खास्त कर दिया गया था, जिसके बाद उन्होंने 2022 के चुनाव से पहले अखिलेश यादव से हाथ मिला लिया था। राजभर ने 2022 में यह कहकर तहलका मचा दिया था कि वो हिंदू नहीं है और वो एनडीए ज्वाइन नहीं करेंगे। उन्होंने राम मंदिर निर्माण पर भी सवाल उठाए थे और कहा था कि बीजेपी को मंदिरों से ज्यादा स्कूलों पर फोकस करना चाहिए।